अच्छा सुने, आपको एक खुशखबरी सुनाना तो मैं भूल ही गई। आपको पता है मेरी सैलरी में 1000 का इजाफा हो गया है। अरे वाह, तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि 3 महीने में तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा हो गया। और एक हमें कि 3 साल इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद के बावजूद वही के वही। अच्छा अब आप नज़र लगाना बंद करें, आप बैठें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ चाय नहीं, मैं वैसे बहुत लेट हो रहा हूँ और मज़ीद लेट हो जाऊँगा। ठीक है ठीक है। और हाँ बात सुनो, हो सकता है कि सुबह मैं लेट आऊँ तो तुम मेरा वेट मत करना। ठीक है मैं आपको गेट तक छोड़ाती हूँ। चलो आज तो बड़ी बन ठन के जा रही हो, लगता है आज तो ओवर टाइम लगा कर ही आओगी। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं तारिक। आंखें नीची कर, अकबर को उठने वाली आंख पसंद नहीं है, समझा? चल निकल। छोड़ो मैं लेट हो रही हूँ। चलो मैं पहले तुम्हें स्टॉप तक छोड़ दूँ। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या, आज जिमशा घर की सफाई करके नहीं गई? आज तू क्या बच्चा है, तुझे नहीं पता तेरी बेगम साहिबा तो सुबह उठती है, लिपस्टिक पाउडर पोता, एक से एक जोड़ा अच्छा कपड़ा पहना है, खुशबू खुशबू लगाकर ये जब वो जब। अरे कम अकल, नजर रख अपनी बीवी पर वरना कल को सर दीवार पर मारता फिरेगा। अम्मी जान आज फैक्ट्री से आने में जरा मुझे देर क्या हो गई, पूरा घर सर पर उठा लिया आपने। कोई बेटी जैसी बहू के साथ इस तरह तोहमत लगाता है क्या? और मुझे अपनी रिमचा पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छी है। इधर सुन, रात के अंधेरे में नहीं
बल्कि दिन के उजाले में देख, तब तुझे पता चलेगा वो कितनी अच्छी है। बड़े यार, माँ को बातें सुना रहे हैं, माँ को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। बबलू भैया, जरा 100 वाला काट दीजिएगा। एक मिनट रमशा बाजी। बबलू, ये वाली चादर दिखाना जरा। ये लो बेटा चाय। वैसे बेटा बुरा नहीं मानना, ये सारे काम जो है ना तुम्हारी बीवी के हैं, चाय पानी का ख्याल रखना शौहर के आने के बाद। अरे मैं तो पैरों में इतना दर्द रहता है, पता नहीं किस तरह काम करती हूँ। क्या कीमत है इसकी? यकीन करें रिमशा बाजी, आपसे कोई सौदेबाजी नहीं, ये तो मेरी छोटी बहन ने बनाया है अपने हाथ से। आप तो बड़ी बहन जैसी, आपके लिए 2000 रुपए की। ओहो, बबलू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे 2000? अरे नहीं रमशा बाजी, मेरी बहन ने बताया था इस पे 1700 रुपए खर्चा आ चुका है। आपकी सांस तो रेट सुनती भाग गई। वो क्यों? बकौल है कुलसुम खाला के, हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि 2000 रुपए की चादर खरीद सके। अच्छा बबलू, अगर ये चादर कल तक ना बिकी ना, तो फिर ये चादर मैं ले लूंगी। ठीक है? इतनी देर तुमने कहाँ लगाई? वो बबलू के शॉप पे गई थी। क्यों? वहाँ मुझे खूबसूरत सी चादर दिखी, और पता है वही चादर आपकी अम्मी जान को भी पसंद आई, पर ज्यादा कीमत होने की वजह से वो उन्होंने खरीदी नहीं। मैंने सोचा कल मुझे वैसे भी सैलरी मिलने वाली है, तो आपकी तरफ से और मेरी तरफ से हम उनको वो गिफ्ट कर देंगे। और अगर अब आपके सवाल कुछ कम हुए हों तो मैं चेंज कर लूँ? तो जाओ, किसने रोका है तुम्हें? इतने गुस्से से नहीं, हमेशा की तरह प्यार से बोलिए, क्योंकि ऊपर वाले ने मियां बीवी के रिश्ते में बहुत बरकत दी है। महारानी का टसन तो देखो, ये जो तुम देर से आती हो ना घर में आके अपने शौहर के सामने बहाने करती हो, उसी को मुतमईन करना, मुझे नहीं। मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। बिल्कुल खाला जान, आप उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। आप तो उड़ती चिड़िया के पर काट भी सकती हैं। खैर रहने दे, अब आपके दिल में क्या है खुलकर बताइए। अगर मेरी जबान खुल गई ना, तो ये शराफत की पुतली बनी घूम रही हो ना, तो उसकी पोल पटिया खोल के रख दूंगी। खाला जान, आप तो मुझ पर ऐसा कीचड़ उछाल रही हैं, जैसे कि आपने मुझे किसी के साथ देख लिया हो। अरे देख लिया होता ना, तो ससुराल की नहीं मैके की गलियों में बदनामी की जिंदगी गुजार रही होती, और सारा मोहल्ला तुम पे थू थू कर रहा होता। बस कर दे खाला बस, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। रात में तारे आएंगे, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। क्या क्या कहेगी तू मेरे बेटे से, बता क्या बोलेगी? बस करें खाला जान, अगर आप मुझे इस घर में बेटी बनाकर लाई है ना, तो मुझे बहू बनने पर मजबूर ना करें।
लाओ बबलू, वो चादर दे दो मुझे। रिमशा बाजी, दरअसल वो चादर ना अकबर गुंडे ने मुझसे ज़बरदस्ती ले ली। मैंने उसे बहुत मना किया कि वो चादर रिमशा बाजी ने रखवाई है, लेकिन उसने मेरी एक बात ना मानी। हो, क्या कह सकते हैं। आप फिक्र ना करें रिमशा बाजी, मैं मुन्नी से ना आपको चादर बनवा दूंगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। नहीं बबलू भैया, रहने दो। जो चीज़ अकबर जैसे गुंडे को पसंद आ जाए ना, समझो वो चीज़ भी बाजारी हो गई। आपकी टांग तो आकर मेरे ऑफिस पर ही टूटती है, क्या मूड खराब होने की कोई और वजह नहीं हो सकती? भाई वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसकी क्या वजह है। मुझे तो उस कमबख्त अकबर पर गुस्सा आ रहा है। कमीने को वही चादर पसंद आई जो मैंने अपनी सास के लिए पसंद की थी। क्या इसका मतलब है उसने वो चादर खरीद ली? कभी गुंडों लफंगों ने कुछ चीज खरीदी भी है, वो सिर्फ उचकना जानते हैं, खरीदना नहीं। तू, तेरी जुर्रत कैसे घर में उछलेगी? हाँ छोड़, ये सवाल जाके अपनी बीवी से पूछ जो रोज तेरे जाने के बाद मुझे घर बुलाती है। क्या झूठा है तू? झूठ बोलता है। चल मैं झूठा ही सही। ठंडे दिमाग से सोच, जो सच्चा लगे उस पर यकीन कर लीजो, समझा? मैं यहाँ कैसे? इन सब सवालों का जवाब तेरे बेटे को दे चुका हूँ, खुद पूछ ले इससे। देख लिया तूने? देख लिया अपनी बीवी के करतूतों को? अरे निकाल बाहर कर उसको, बच्चा लाने वो इस घर में रहने के काबिल नहीं है, दे तलाक उसे। अम्मी रिमचा, रिमचा आखिर हुआ क्या है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम दोनों अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मुझे बताइए ऐसा मुझसे क्या हो गया?
तू बच्चलन है। क्या हो गया, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्यों चुप है, ऐसे क्या देख रही है तू? मैं तुम्हें उस गली चादर में देख रही हूँ। तुम्हारी मिसाल उस बंदरिया जैसी है जो अपने पांव जलने पर अपनी औलाद को अपने कदमों तले दबा दे। तो आतश पर और वो अकबर तेरा यार था ना, तुम्हारे लिए आया था ना, तुमने उसकी वजह से मुझे तलाक दिलवाई। ऐसा क्या किया था मैंने जिसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दिलवाई मुझे? अब तो तू सारी जिंदगी बैठकर ऐसे ही रोती रहना। ये वही चादर है ना जिसके लिए हमारी जान तड़प रही थी। हाँ अकबर, ये तो वही चादर है। अब ये बता, कब चलता कर रही है अपनी बहू को? मैं तो दो चार दिन और सफर कर लेती, मगर आज इसने मेरा हाथ इतनी जोर से मरोड़ा है। अब तुम देखना, मैं उसका कल सुबह ही सारा काम तमाम करती। हाँ, जल्दी चलता कर उसको इस घर से, समझी?